हेलो एवरीवन, हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, वन डिजिट सब्ट्रैक्शन विद फॉर्मूला, जिसमें हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। 10 - 1 - 6, इसमें हम डिफरेंट फार्मूला का यूज करेंगे। 10 - 1 - 6, इसके लिए हमें टू रॉड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूनिट पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, वन रॉड टू रॉड, ये 10 तो 10 - 1 - 1 का फॉर्मूला आता है, प्लस 9 - 10। अब फिर -6 करना है तो 5 - 1 - 6, आंसर इज 3। तो हमारा आंसर आ गया 3। बिट्स को क्लियर कर देते हैं, नेक्स्ट सम करके देखते हैं। 17 - 1 - 5 - 2 - 7, तो 17 हो गया। उसमें -3 के लिए हमें +2 - 5, फिर -3 करना है तो -3 हमारे पास बिट्स हैं, तो हम -3 इजली कर सकते हैं। हमारा आंसर आ गया 1111। बिट्स को क्लियर कर देते हैं, नेक्स्ट सम करके देखते हैं। 2020, तो ये हो गया 2020। अब हमें इसमें +9 करना है, तो +9 हम इजली कर सकते हैं, 5 - 9। अब इसमें हमें -3 करना है, तो -3 को भी हम इजली कर सकते हैं, 3। तो हमारा आंसर आ गया 2626। बिट्स को क्लियर कर देते हैं, नेक्स्ट सम करके देखते हैं। 14, तो 1414 हो गया। अब इसमें हमें +6 करना है, तो +6 का फॉर्मूला होता है -4 + 10। फिर हमें -2 करना है, तो हमें -2 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। -2 का फॉर्मूला होता है +8। -2 का फॉर्मूला होता है +8 - 10। तो हमारा आंसर आ गया 10 - 8 = 18। इसको क्लियर कर देते हैं, नेक्स्ट सम करके देखते हैं। 12 - 1 - 2 - 12 + 8, तो +8 के लिए हमें इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा -2 + 10। फिर -1 करना है, -1 का फॉर्मूला होता है +9 - 10, तो हमारा आंसर आ गया 1919। नेक्स्ट सम करके देखते हैं, हम इसको क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट सम होगा 14, तो 1414, फिर -4, तो हम -4 को इजली कर सकते हैं। फिर -1 - 1 का फॉर्मूला आता है +9 और -10, तो हमारा आंसर आ गया 9। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।